नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज एनएसआईसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनएसआईसी क्या है? एनएसआईसी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एमएसएमई के तहत आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी एमएसएमई का बहुत जोर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आप बार बार बात करते हैं, तो अगर आपका स्मॉल इंडस्ट्री है तो ये स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एमएसएमई का बेनिफिट आपको पूरा मिलने वाला है। दूसरी बात है, ये कब बना था? 1955 में बना था, और उस समय उसका नाम क्या था? मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, इसका नाम था मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब एनएसआईसी क्या है, बेसिकली करता क्या है एनएसआईसी? एनएसआईसी प्रमोट करता है और फॉस्टर करता है ग्रोथ, किस चीज का? एमएसएमई का ग्रोथ, जो कि इंडिया में ऑपरेट करता है। जितने भी स्कीम्स होते हैं वो एनएसआईसी ऑपरेट करता है, सच एज सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। एक ही बार में सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको। अगर स्मॉल इंडस्ट्री और आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है, सीधा एनएसआईसी में चले जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एनएसआईसी, और क्रेडिट रेटिंग स्कीम भी रहती है एनएसआईसी के पास में। तो ये क्रेडिट रेटिंग आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी अवेलेबल है और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी अवेलेबल है। एनएसआईसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जो लिस्ट मैं नीचे बताने जा रहा हूं, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है कि नहीं, आप एलिजिबल हो कि नहीं। सबसे पहला, एप्लीकेंट जो है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के तहत में उद्योग आधार मेमोरेंडम या फिर जिसको ईएम पार्ट टू आपको बनाना पड़ेगा या फिर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो क्या आपने ये कर चुके हो, यस और नो, तो आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं हुआ है तो उसको कर लीजिए, वो भी बहुत जल्दी हो जाता है, आधे घंटे के अंदर आपका उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये, इसका मतलब है जिसने अभी तुरंत प्रोडक्शन चालू किया है और या फिर जिसका पीरियड एक साल के अंदर में, आपने ऑर्गेनाइजेशन चालू कर दिया लेकिन एक साल से ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, आपका प्रोडक्शन चालू हुए, तो फिर आपको एक साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, पहला पॉइंट है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट क्या है? www.nsic.co.in, इसमें आपको जाना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जीपी ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्या क्लिक करना पड़ेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जीपी। इसको रिक्वायर्ड डिटेल इसमें फिलअप करने पड़ेंगे, और ये पूरे डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको सेव करना है। डिटेल आसान है, जो कि आपके कंपनी और आपके काम से रिलेटेड है, आपको फिलअप करना पड़ेगा, और करने के बाद आपको सेव करने की जरूरत है, और सेव करके प्रोसीड बटन दबाएंगे। उसके बाद पेमेंट, एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन फीस का आपको पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन फीस आपने पेमेंट कर लिया, लास्ट में आपको सबमिट बटन दबा देना है, तो ये आपका एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो था वो ऑनलाइन मोड था। ऑफलाइन मोड में क्या करना पड़ेगा? ऑफलाइन मोड भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको नहीं आता है या फिर आप नहीं करना चाहते हो, ऑफलाइन में आपको लगता है आसानी होगा, तो आप ऑफलाइन मोड में क्या करिए, सबसे पहले एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है साइट पे, मैंने वेबसाइट बताया, उस पे जाकर आपको क्लिक करना है, उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको ऑफलाइन मोड में। उसमें भी फिर से सेम डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, डिटेल भरने के बाद में आपको जमा करना पड़ेगा रिक्वायर्ड फीस और फॉर्म के साथ में, कहां पर? जोनल ब्रांच एंड सब ऑफिस एक्सटेंशन ऑफिस ऑफ एनएसआईसी। एनएसआईसी का जो भी जोनल ऑफिस होगा, ब्रांच होगा या सब ऑफिस होगा या एक्सटेंशन होगा, वहां पर जाकर आपको जमा करने की जरूरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ये जो फॉर्म है इंस्पेक्शन ऑफिस को हम लोग को फॉर्म जमा करना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, और उससे रिलेटेड जो फीस रहेगा, फीस आपने जो पे किया होगा उसका प्रूफ देना पड़ेगा, या फिर डीडी या पे ऑर्डर जो भी आपने बनाया होगा उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तब जाकर इंस्पेक्शन एजेंसी क्या करेगी, टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी, जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए ऑथराइज होगी। और जब ये इंस्पेक्शन का रिपोर्ट दे देगी और वो पॉजिटिव रहा, तो फिर क्या करेगी, एनएसआईसी आपको इशू करेगी जीपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किसको इशू करेगी? एमएसएमई। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने समझ लिया, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड, जितना भी प्लांट एंड मशीनरी आपने इंस्टॉल किया अपने काम के लिए उसका कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका डेट ऑफ परचेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ एसेट, उसका जो कॉस्टिंग है या टोटल वैल्यू है उसका एसेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगता है वो डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत रहेगी अगर वो कंपनी है तो। पार्टनरशिप फर्म का जब भी रजिस्ट्रेशन होता है तो पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रार रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं फॉर्म ए में प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रूफ फॉर्म ए में देना पड़ेगा। एलएलपी का अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो एलएलपी का एग्रीमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेमोरेंडम और
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो पूरा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि आपके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके ओनरशिप से रिलेट करते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो जगह हो, या कोई भी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैंक रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उस पर्सन की। तो बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है या फिर लोन है या फिर नहीं है, या उनका कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। फॉर्मेट जो प्रोवाइड होगा उस फॉर्मेट में आप कर सकते हो, या सिंपल बैंक स्टेटमेंट भी कई बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है रॉ मटेरियल की, फिनिश्ड गुड्स की और वर्क इन प्रोग्रेस की। रॉ मटेरियल में कितना रॉ मटेरियल है उसका डिटेल वैल्यूएशन कॉस्टिंग के साथ में, फिनिश्ड गुड्स में उसका क्वांटिटी क्या है, उसका वैल्यू क्या है, और गुड्स इन प्रोसेस इसका मतलब जो रॉ मटेरियल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश गुड्स नहीं बना है, उसका भी पूरा डिटेल कि रॉ मटेरियल उसमें कितना पार्ट है और कितना पार्ट खर्चे का मिलाकर वो वर्क इन प्रोग्रेस है। पैन कार्ड चाहिए रहेगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, राइट। नेक्स्ट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए रहेगा पिछले साल का, जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। BIS लाइसेंस की जरूरत रहेगी अगर एप्लीकेबल है तो, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर या पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर होगा, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर होंगे। डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर होगा जो कि नॉन कनेक्शन विद एनी लार्ज स्केल यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर बड़े यूनिट का भी डायरेक्टर है और फायदा उठाने के लिए NSIC का स्मॉल एक यूनिट भी खोल के रखा है सेम काम के लिए, कहीं से भी कनेक्टेड रहा और पता चला तो फ्यूचर में उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए ये अलग से डिक्लेरेशन लिया जाता है कि जो डायरेक्टर है किसी भी तरीके से बड़े यूनिट से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ इसी स्मॉल यूनिट से कनेक्टेड है, राइट। नेक्स्ट है ISO 9000, ये ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है लेकिन ये जरूर ले लेना चाहिए, मिलता आसानी से, इसीलिए ये वाला डॉक्यूमेंट पूरा कर लीजिएगा। डिटेल्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट्स है उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, उसमें इंस्पेक्शन कैसे होता है, कब उसकी जाँच होती है, उसका इंस्पेक्शन का क्या पीरियड होता है, कितने दिनों में जाँच करते हो, इससे रिलेटेड एक लेटर हेड में डिटेल बना लीजिए, राइट। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ मैन पावर इंक्लूडिंग टेक्नीशियंस एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, उसमें से टेक्नीशियन कितने, हेल्पर कितने, टेक्नीशियन कौन से कैटेगरी के हैं, कितने स्किल्ड हैं, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि आपने सही लोग रखे हैं, ताकि मशीन का सही हैंडलिंग होगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे और प्रोडक्शन भी अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रेमाइस, जो प्रेमिसेस है उसका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको उसकी कॉपी की जरूरत पड़ेगी। NSIC रजिस्ट्रेशन के चार्जेस क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्रोफेशनल चार्जेस की नहीं। फीस फॉर फ्रेश NSIC रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, देखिए अगर वो माइक्रो साइज MSME है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो 3000 रुपए लगने वाले हैं, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 3000 रुपए प्लस 1500 रुपए एडिशनल टर्नओवर एक्सीडिंग 1 करोड़। स्मॉल साइज अगर है तो 5000 रुपए लगने वाले हैं अगर वो 1 करोड़ के अंदर में है, और 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो 5000 रुपए प्लस 2000 रुपए हर 1 करोड़ पे। इसमें इंस्पेक्शन चार्जेस भी आपको पे करना पड़ता है। इंस्पेक्शन चार्जेस क्या होगा, माइक्रो साइज वाला अगर है तो 2000 रुपए पे करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया इन्वेस्टिंग एजेंसी को पे करना रहता है। दूसरा स्मॉल साइज का अगर है तो 3000 रुपए पे करना पड़ता है। वैलिडिटी क्या है NSIC लाइसेंस का, अगर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन करते हो जो कि MSME ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है तो ये 2 साल के लिए वैलिड होगा, विच इज रिन्यूड और रिवाइज्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच 2 ईयर्स। इसका मतलब 2 साल के लिए पहले देगा और रिवाइज करके देगा उसका एक्सपायरी के बाद, 2 साल जैसे ही एक्सपायर होगा उसके बाद आपको वापस से रिन्यू करके या रिवाइज करके देने वाला है। अगर आपका प्रोविजनल NSIC रजिस्ट्रेशन है जिसमें मॉनिटरी लिमिट 5 लाख रुपए है तो 1 साल का वैलिडिटी उसमें मिलेगा। अब देखो इसमें फायदा क्या क्या है, सबसे पहले फ्री अलॉटमेंट ऑफ टेंडर, टेंडर फ्री में अलॉट होने वाला है, कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, EMD डिपॉजिट नहीं लगेगा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है EMD वाला अमाउंट, राइट। डेवलपमेंट ऑफ SSIs, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट होता है, NSIC ने रिजर्व करके रखा है 358 आइटम जो कि खरीदा जाएगा किससे, SSI से खरीदा जाएगा जो कि NSIC में रजिस्ट्रेशन करा के रखे होंगे। गवर्नमेंट टेंडर में भी NSIC रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है।
अब रिजर्व कोटा की बात करते हैं, एमएसएमई से जो 20% एनुअल रिक्वायरमेंट की सप्लाई आती है उसमें से 4% का रिजर्वेशन एससी एसटी कैटेगरी को है। एनएसआईसी काफी सारे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इससे रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल इंक्रीज करवाती है। कैसे? मिनिमम 25% ऑफ टोटल एनुअल परचेज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का होता है वो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस से लिया जाता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी एनएसआईसी प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं उन लोग उसमें हेल्प करते हैं, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में उन लोग हेल्प करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट जो एमएससी का करना पड़ता है उसका भी पूरा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट आप लिस्ट बना लीजिए, एनएसआईसी के साइट में जाइए। साइट में जाने के बाद में बहुत आसान है, जब इतने डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है तो आप उसको फिलअप करिए। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका लाइव डेमो भी आप लोगों के लिए जरूर बनाने वाला हूं, लेकिन एक छोटा सा आप लोगों से उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने किया नहीं तो जरूर करिए। आप जानते हैं ना मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त शुभ हो।